देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बाद अचानक से लूट और फ्रॉड के मामले बढ़ने लगे हैं, और तो और स्कैमर्स के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इनके जाल में फंसने वाले कम पढ़े लिखे ही नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी के एम्स अस्पताल से, जहां एक डॉक्टर से ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए करीब 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। दरअसल हुआ यूं कि एम्स अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर चेतन पटेल के पास ठगों का एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि ये कॉल आपको जानकारी देने के लिए किया गया है कि कुछ देर में आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब सकते में आ गए, और उन्होंने जब इसका उपाय पूछा तो ठगों ने उनके नंबर पर भेजे गए एक OTP देने को कहा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ठगों को OTP बताया, एक झटके में उनके बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए चंपत हो गए, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने इस ठगी की शिकायत साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर पर की, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया और डॉक्टर साहब के करीब 3.25 लाख रुपए वापस करा लिए गए। मेरा नाम डॉक्टर चेतन पटेल है, मैं एम्स न्यू दिल्ली में डॉक्टर हूँ। कल मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें मेरे लगभग 4,90,000 रुपए चले गए। मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155-260 पे कॉल किया। पुलिस अधिकारियों ने मेरे से ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिए और अलर्ट जारी कर दिया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे 3,15,000 रुपए साइबर हेल्पलाइन 155-260 की मदद से बचा लिए गए। बता दें कि कोरोना काल में ज्यादातर ऑनलाइन काम हो रहे हैं, जिसके कारण धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ गए हैं, जिससे बचने के लिए भारत सरकार ने ऐसी धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155-260 जारी किया है, जहां धोखाधड़ी होने के बाद 24 घंटे के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको अपना नाम, घटना का समय और बैंक खाते का नंबर देना होता है, जिसके बाद अगर आपके साथ धोखाधड़ी करके आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर आपके पैसे बच सकते हैं। तो वहीं राजधानी में बढ़ रहे ऐसे फ्रॉड के मामलों को देखते हुए दिल्ली तक की आपको सलाह है कि किसी भी अनजान आदमी से, चाहे वो खुद को बैंक का कर्मचारी होने का दावा ही क्यों ना करे, आपके मोबाइल पर आया OTP किसी के साथ शेयर ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।